फिर से लाइव। जूम ना करो भी, बिना जूम करो भी क्यों? पुनीर चालू सीटी लगा ले, कहाँ बिता नहीं चार्ज देख कर लिए चालियर के। नहीं है वो दूसरा भाग जाए यार, वो फिल्टर भाई तीसरे मैच को चलना, तीसरे मैच की तैयारी करो अजाज भाई। इसके बाद तीसरे मैच की तैयारी करो। क्या हो जाए सार्जेंट ने टॉस जीत कर बॉलिंग का निर्णय लिया भाई, सार्जेंट ने पार्ली और सालियर के बीच खेला जा रहा है दूसरा मुकाबला भाई। पार्ली वाले, हाँ भाई पार्ली वाले, हाँ भाई आगे भरे थी। सालियर ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया। माशाल्लाह बहुत बढ़िया, ये बच्चा कहाँ आ रहे है? जावेद पंटी भाई अपनी फील्ड से गए भाई। रॉयल क्लब के कैप्टन सालियर सलाहपुर की ओर से पंटी भाई अपनी फील्ड से गए। नीचे होना होगा, नीचे नहीं होता कल तो होगा, नीचे यहाँ हो जाएगा। इसको डाल रखा है मैंने, ये पावर में ये उठाना पड़ेगा। भाई दूसरा मैच जल्द जल्द स्टार्ट कराओ, एक मैच और होना है, तीसरा भी होना है यहाँ पे मैच। भाई सालियर वालों जल्दी फील्डिंग सजाओ अपनी, आज के अंपायर खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ बैठो, अंपायरिंग पे हो, अंपायर जाओ इरफान ले गिल्ली ले जा भाई, और गिल्ली जी साथ रखियो बिल्कुल ढीली रहो वाली गिट पे भाई, फिल्टर ओके भैया हो गया शुरू। हाँ स्टार्ट हो गई अभी, क्या कीपरिंग सेव कर रहा कीपरिंग, मिला दो ना थोड़े थोड़े मिला, हमारे दोनों एम्पायर खुर्शीद भाई और अफजल भाई।
ट्रैक्टर अब जाओ थोड़ा ठीक हो। भाई भाई बैटिंग पे बल्लेबाजी भेजे अपने पार्ली पिक्चर वाले अपनी ओपनर टैक्टिक भेजे भाई ओपनर बल्लेबाज भेजे भाई पंटी भाई अपने फील्ड पे जाए एक बल्लेबाज भाई एक एक्स्ट्रा आदमी पार्टी पिक्चर की ओर से कमेंट्री बॉक्स में आ जाए भाई कार के दर्शक बाहर चले गए कृपया कार के दर्शक बाहर चले गए भाई बॉलिंग कोड लेकर आयो आज हम राजीव भाई स्ट्राइक पर कौन नहीं होगा बल्लेबाज हेलो भाई भाई नाम बता दो अपना और उनका कोई बात नहीं पहले राउंड में एक का होगा खिलाड़ी कोई किसी भी टीम से कह सकता है अजीम था ना उसका पहले राउंड में
बॉलर के लिए कौन है आजम आया राजी को क्या नाम भाई क्या बोलर का आजम हम आपको बताना चाहते हैं पहले राउंड में एक चौकी गांव की एंट्री में गांव का ही आदमी खेलेगा ना सेकेंड राउंड का बाद में बताऊंगे भाई पहले पहले मैं बता रहा भाई कितने देने भाई मैच स्टार्ट हो चुका है पार्ली गुज्जर बैटिंग कर रही है स्ट्राइक पर है नवाजी नॉन स्ट्राइक अजीम बाहर लेकर आए हैं मोहम्मद आजम हमारे लेग अंपायर खुर्शीद जी और मोहम्मद अफजाल आजम अपना और अपनी टीम का पहला ओवर लाते हुए चल आवाज आजम आजम की पहली ओवर नवाजिश के लिए बहुत अच्छी एक रन मिला के रूप में बहुत ही रोमांचक मैच साढ़े और पाटली के बीच में पाटली बैटिंग करती हुई कभी पाते बोल रहे बल्लेबाजी का बाहर समय ले गए अजीब आजम आजम की गेंद अजीब के लिए बेहतरीन बोलिंग यहाँ पर अंपायर को इशारा जाहिर बोल निशाने गेंदबाजी आजम की अंपायर द्वारा वाइड बॉल भाई शेयर करो जितने भी देख रहे भाई सारे शेयर कर दो हमारे जो जानने वाले सभी देख लेंगे फिर यहाँ पे अजीम को पहली ओवर में एक झटका लगता हुआ पाटली को नाम बता रहा है बल्लेबाज
और आसानी से दो रन मिले एमटी को। दो लिए भाई, भाग तीसरे रन के लिए भाग रहे थे। हाँ हाँ जी, दो रन के लिए भाग रहे थे भाई। दो रन मिले मुकीम को। और कल्याण बॉल जबरदस्त, देख पाएगा एक रन से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे। एम टी इशारा कर दे पल्ले से, एक ही देख पाए से पल्ले से, लेकिन लेग अंपायर का बार संभाल रहे हमारे भाई खुर्शीद नवाजी। प्रार्थना करेंगे शानदार शॉट, फील्डर मौजूद बहुत तेजी से थ्रो किया, अब अच्छा बैकअप अब्दुल रजाक के द्वारा। एक ओवर में 6 रन, एक विकेट के नुकसान पर पार कर लिया। दूसरा बॉलर अपने कोटे का पहला बार लेकर आए हैं अब्दुल रजाक सालियर के। अपने कोटे का पहला बार लेकर आए हैं रजाक। अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे राजीव की बोल नवाजिश के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं बोल पर। उतार के मारना चाहते थे पूरी तरीके से बीट हुए। राजीव साले की तरफ से जो काफी अच्छे बॉलर माने जाते हैं और अच्छी गति निकालते हैं। राजीव राजीव के लिए नवाजिश के लिए, देखते हैं बॉल पर क्या कर पाते हैं नवाजिश। और इतना एज लगा मौजूद और कैच आउट, नवाजिश का है विकेट गिरा। नवाजिश के रूप में नवाजिश के रूप में दो विकेट पार्ट ली को दूसरा झटका लग गया। सेफ ने लिया ना, सेफ ने पकड़ा शानदार कैच।
बल्लेबाज ने दानिश पारी का भार संभालने के लिए जा रहे हैं मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश जो नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं, मोहम्मद दानिश पाटली गुज्जर की साइड से देखते हैं क्या करते हैं, अपनी टीम को स्कोर पर लेकर जाते हैं। अगर अच्छा स्कोर बनाती है तो पाटली गुज्जर जीत सकती है, ना हार भी जाएगी। ओ अच्छी बॉल राजीव की, हल्का सा खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर यहाँ पे पाटली गुज्जर को अच्छा स्कोर बनाए तो यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को रुक कर खेलना होगा। लगातार डॉट पे डॉट डालते हुए इस ओवर में एक विकेट निकाल दिया है। शानदार कीपिंग करते हैं, शानदार बॉलिंग करते हुए सालियर के फील्डर और बॉलर। अच्छा शॉट दानिश ने बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रनों के लिए निकाल दिया है शॉट, चार रन दानिश के बल्ले से निकला शॉट चार रनों के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद पारली गुज्जर का स्कोर 10 रन दो विकेट के नुकसान पर। अगर यहाँ पे अच्छा स्कोर बनाना है पाटली गुज्जर को तो एमटी को खड़ा रहना पड़ेगा, एमटी को अच्छे स्कोर बनाना पड़ेगा। गगन ओके गगन भाई बीच में कौन आ रहा है? अच्छा अच्छा जैसी खराब हो रही इनको, माशाल्लाह बहुत जल्दी है। हेलो एमपी सामना करेंगे, एमपी बॉलिंग का भार संभालने के लिए है गगन। गगन चुन्नी छक्का लगेगा गगन के, गंधक गंधक का पास चलती हुई उधर एक और मैच उसके बाद भाई। हाँ भाई तो लेट हो गया यार तुम्हारा मैच भाई, इन्हें नौ ओवर दिशा में पटकाए जाएंगे मेरे बड़े भाई, जल्दी नहीं खोलते हैं लेग स्टंप पे जाए वहां पटकाए भाई, शेयर करो ज्यादा ज्यादा। उधर कोई जा रहा है आपको लेके, खुर्शीद भाई चुनला गिरते हुए क्रीज पे, यह हमारे आज के मैच के अंपायर है खुर्शीद भाई। ये देखो हमारे भी हमारे बड़े भाई खुर्शीद पूरी मेहनत करते हुए बंद इस मैच को लेके बंद करवानी दिक्कत हो रही है। शुक्रिया खुर्शीद भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से गगन अपने पटे का पहला बंद करवा देना, राहत बंद करवा दे गगन की। एमपी के लिए देखते हैं
और एमटी का एक शानदार शॉट बाउंड्री लेन के बाहर चार रनों के लिए बेहतरीन शॉट। पार्ली तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं एमटी और उठाकर मारा है बाउंड्री लेन के बाहर बहुत शानदार शॉट चार रनों के लिए। एमटी के बल्ले से निकला हुआ है दूसरा चौका। दूसरा चौका एक बार फिर से कैप्टन एमपी के लिए पिता के मारना चाहते थे हल्के से पीट हुए जाने पर दिए थी कीपर के हाथों में कोरल नहीं। ठीक है बोल्डेड हो गया एक बार फिर से गगन दिए बोल रोटती ना एमपी के लिए हल्के के हाथों से खेले गया शोट मैं बोल के एक रन से नहीं रोक पाए एमपी को बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर एमपी पार भी गुजर की ओर से दर्शकों से कचाकच भरा हुआ ये मैदान। गगन दानिश के लिए एक बार फिर दानिश के लिए और उठाकर मारा दानिश ने निकला बेहतरीन चौका अच्छा शॉट लगा यहाँ पर दानिश ने बहुत अच्छा शॉट भाई। अजीम और नवाजी आउट ही है नवाजी और अजीम आउट है कमेंट यार दूसरी साइड थे देखेंगे सभी भाई एक बार फिर दानिश के लिए गगन बहुत शानदार बॉल और कर लेते बॉल और रन आउट का चांस यहाँ पे और बहुत ही गंदा रन आउट कराया है एमटी ये विकेट पार्ली को बड़ा झटका मिला है एमटी के रूप में चारों तरफ से खेलते तुमने दो लगे होंगे यार तीन लग दी अपना अभी तुम लोग तीन ओवर की समाप्ति के बाद पार में दिखे थे स्कोर 34 रन तीन विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति मैक्सिमम 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर रहेंगे। नरेडेगा भाई अभी नहीं है एक दो परसों हो सकता है नरेडेगा बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए दोनों ही अंपायर राजी काम न करेंगे होमू भाई मैच पार्ली का और सालियर के बीच है। पार्ली पहले बैटिंग कर रही है तीन विकेट गिर चुके पार्ली के अलका कर आसान तक है एक और विकेट का पतंग यहाँ पे होनू के रूप में पार्ली गुजर को बड़ा झटका विकेट नहीं रोक पा रहे हैं यहाँ पे पार्ली गुजर अपने बल्लेबाजों का
किसने पकड़ा था? पारी के पास संभालने के लिए जा रहे हैं आमिर। हार्डली गुज्जर को यहाँ दो बड़े झटके मिले हैं, होनो के रूप में और एमटी के रूप में। पारी का बाल संभालने के लिए आए हैं आमिर। चौथा झटका लगा पारी गुज्जर को एमटी के रूप में, होनो के रूप में आमिर। पारी का बाल संभालने के लिए आए आमिर। नो बॉल और नो बॉल बाउंड्री पे मौजूद। राजीव एक बार फिर से सामना करेंगे आमिर। हाँ भैया, अगर साइलर अच्छा खेलेगी तो जरूर जीतेगी। बहुत शानदार शॉट आमिर के बल्ले से निकला, चार रनों के लिए बेहतरीन चौका। और इसी के साथ मैंने अपने चौके साथ खाता खोला, चार रनों से खाता खोला। राजीव के बॉल आमिर के लिए, बहुत अच्छी फील्डिंग आजम द्वारा। लिली है नहीं यार, अभी दिखाई नहीं राशिद भाई, अभी लिली नहीं देखा, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं। भाई खेलना चाहते थे पूरी तरह, बीट हुए हैं राजीव किस बॉल पे आमिर। बहुत शानदार बॉल राजीव द्वारा, बहुत अच्छे बॉलर हैं सालेर की टीम से अब्दुल राजिक। एक बार फिर से राजिक की गेंद आमिर के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बॉल पर भाग मारना चाहते थे अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, फिर इशारा वाइड बॉल। बहुत ही अच्छी अंपायरी यहाँ पर खुर्शीद। क्या ले भाई, ग्लव्स ग्लव्स चाहिएगा अंपायर फिलिप पाटा। हाँ भाई पहली पारी है, पार्टली पहले गए और बेहतरीन शॉट आमिर का बल्ले से निकलता है कोर्ट लेन की तरफ और आसानी से दो रन पूरा कर लेंगे मोहम्मद आमिर। स्कोर में इजाफा दो रन का। पहली पारी यहाँ भाई उठा खेलना चाहते थे पूरी तरह, बीट हुए ओवर समाप्त। चार ओवर में 31 रन, चार विकेट। दानिश भाई बल्लेबाज बता के निकलियो भाई, जब भी निकल चार में 31 रहे तुम्हारे। इसके बाद बहुत ही भयंकर मैच होगा, बहुत मजा आने वाला है इस मैच के बाद। माधोपुर की दोनों टीमों के बीच इस मैच का आयोजन होगा। नेक्स्ट मैच माधोपुर 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 एक्स माधोपुर वाई। दानिश के लिए उधर कर लें, शानदार बॉलिंग। लेग बाय का एक रन और मिलेगा पाटली की टीम को।
एंट्री फीस भाई 3300 रुपये मात्र। और एक रन मिलेगा, बहुत शानदार बोल रहा है कमेंटेटर जावेद भाई, कमेंट्री करने के लिए आए हैं। बहुत शानदार शॉट आमिर भाई के बल्ले से निकला, ताइस भाई के बल्ले से निकला शॉट बोर्ड लेन की तरफ, चार रनों के लिए चार रन 37 रन 37 पार्टी का स्कोर 4 विकेट पर 37 पांच ओवर प्रगति पर। हाँ भाई इसके बाद भी मैच है, माधोपुर वाई माधोपुर जेड एक्स दोनों का मैच है। पिछला मैच भाई मोहम्मदपुर जीत गई, एक बार फिर से सामना करेंगे मोहम्मद तानी 75 रनों से। एक बार तानी अगर कहना चाहते थे पूरी तरह बीट हुए सीधा कीपर के हाथ में, ग्लव्स में जाने भर दिया विकेट कीपर के हाथ में 6 रन में। उठा कर खेलते दानिश ने बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए शानदार, देखते हैं क्या 6 है, 6 रन 6 अंपेयर का सारा 6 रन पार्टी का स्कोर पे इजाफा। नेक्स्ट मैच एक बार फिर दानिश ने उठा दिया है बाउंड्री लेयर के बाहर, बहुत शानदार सिक्स जबरदस्त सिक्स दानिश के बल्ले से निकलता आया है दूसरा सिक्स बेहतरीन छक्का भाई। लिली का पता नहीं अभी आउट नहीं, शायद आउट नहीं हुआ अभी तो, नवाजी आउट हुआ 5 ओवर में 49 रन बहुत अच्छा स्कोर कर दिया है अभी। वापसी की दानिश ने 2 छक्के लगाकर रनों को बढ़ाया अपनी टीम के। दानिश फिर से आजम बॉल लेकर आए हैं, आमिर को समझ बूझ से खेलना होगा। भाई लिली अभी बल्लेबाजी के लिए नहीं आया, अगर खेल रहा होगा तो बल्लेबाजी पे आएगा लिली। अपने को देखा अंतिम ओवर में क्या है आजम, अपने कोटे का अंतिम ओवर, अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं आजम सालियर के, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं आजम। और इतने शानदार बल्लेबाज पारली के आमिर और दानिश, ले ली नहीं आज नहीं होगा भाई आज करेंगे नहीं तो अभी तक ता लेता है खेलने के लिए। पार्ली और सालियर का मैच चल रहा है भाई, और सागर खेलना चाहते थे पेड़ों से लगी बॉल और एक रन आसानी से पूरा किया आमिर ने। पार्ली विक्टर के इसी रन के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए बहुत ही अच्छा खेलते हैं यहाँ पे पार्टी गुजर करेंगे। दानिश बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ओ बहुत तेजी से बॉल आई विकेट पे लगी डायरेक्ट, पता ही नहीं लगा दानिश को, दिखी नहीं, बहुत स्पीड से डाली गई बॉल या आजम की, सीधा विकेट पे जाके लगी
क्लीन बॉल दानिश, बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे पाडली को दानिश के रूप में, 50 रन पूरे हुए। पाडली गुजर के यहाँ पे नावेद, नावेद बहुत अच्छा खेलते हैं अपने पाडली की टीम से। भाई यार लाइट आ ही रही है मोबाइल में, से दिख रहा बहुत नीचे कर रखा फिर नीचे भैया, दो लाइट तो काट रखी है, दो लाइट का असर हो रहा है यार ये। नावेद, नावेद कोच जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में, आजम की बॉल नावेद को यहाँ पे इस ओवर को देखकर खेलना होगा अगर अपनी टीम को अच्छे रन देने हैं तो। चेक करना होगा और बहुत शानदार बॉल हल्के हाथों से खेल दिया दानिश ने, हल्के से मिस फील्ड, दो रन के लिए जाएंगे नावेद, एक एक्स्ट्रा रन। नावेद का इसी के साथ खाता खुला दो रनों से। नावेद भाई छक्का लगाते हैं खय्याम भाई की ओर से, 5100 रुपए की नगद निकासी का इनाम, 5100 रुपए की नगद निकासी। ये जज्बा 5100 रुपए का था नावेद भाई के, 5100 रुपए का जज्बा। अगर इस ओवर में नावेद भाई छक्का लगाते हैं नगद निनाम 5100 रुपए की नगद निकासी। हाँ इसके बाद ही मैच होगा भाई, दूसरा एक और मैच होगा और हल्के हाथों से खेल दिया है नावेद ने, बहुत शानदार शॉट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर मौजूद, देखते हैं दो रन आ रहा है पूरा कर ले, तीसरे के लिए नहीं गए, तीन रन हो सकते थे पर मना किया आमिर ने यहाँ पे। छह ओवर की समाप्ति 54 रन 5 विकेट पाडली गुज्जर। छह ओवर में 54 रन 5 विकेट पाडली गुज्जर। राजू अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आ रहे हैं। राजू हमारे नासिर जमशेद हमारे भाई कमेंट्री बॉक्स में पधारते हुए हम इनका पुरखलूस इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही अच्छी रणनीति बनाते हैं हमारे कमेटी मेंबर मोहम्मद फरीद। इसके बाद एक बहुत ही महामुकाबला होने जा रहा है दोनों टीम माधोपुर की ओर, वो मुकाबला इंडिया पाकिस्तान के रूप में देखा जाएगा। पर नावेद को छक्का गया था भाई, नाम पे नाम आ रहा नावेद और मुफीद बादलपुर की दोनों टीम के बीच नेक्स्ट मैच खेला जाएगा। बोलर नेम, बॉलर नेम अरुण है तो हाथ उठाए, ओके थैंक यू। सामना करेंगे आमिर, देखते हैं आमिर किस तरीके से स्वागत करते हैं। समझ नहीं पाया के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, दोनों ही बल्लेबाजों को एक लंबा टारगेट बनाना होगा, बड़ा टारगेट बनाना होगा। एक बार फिर से अरुण उठाया, नौगान की जानी फील्डर मौजूद, एक रन से नहीं रख पाएंगे आमिर को। इस ट्रैक पर मौजूद नावेद बहुत ही अच्छा खेलते हैं,
एक बार फिर से देखते हैं नागेश क्या कर पाते हैं। चलो बोल हल्के से हाथों से खेला एक रन से नहीं रख पाए नागेश को काफी सूझबूझ के साथ खेला गया। वैसे बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ रॉयल क्लब और पार्ले गुजर के बीच एक बार फिर से आमिर क्लीन बॉल कर दिया है अरुण ने आमिर को क्लीन बॉल इन विजिट का लुक उठाना बहुत ही कुछ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल वाली टेक्नोलॉजी देखते हुए सभी दर्शक हमारे माधव रजोपुर के और हमारे सभी मेहमान मजा आ रहा है। बल्लेबाज ने मुजम्मिल है तो हाथ उठाए ओके सातवां ओवर पर गति पर देखते हैं किसी बताते हैं पार्ली गुजर के खिलाड़ी पब्लिक टीम के लिए एक बार फिर से मुजम्मिल उठा के मारा भाई बल्लेबाज भाई हेलो नाम क्या है इनका मुजम्मिल भाई आए हैं तो काफी सारे सामना करेंगे मुजम्मिल चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हुआ 60 रन। सात ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर में 60 रन है भाई 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हुआ 60 रन। 6 विकेट के नुकसान पर पार्ले गुजर का 7 हुए भाई 7 बॉलर सगल है तो हाथ उठाए ओके गगन आए बॉलिंग का आभार संभालने के लिए। गगन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं। गगन सामना करेंगे नावेद देखते हैं पार्ली गुजर के खिलाड़ी 3 ओवर में कितने रन जोड़ पाते हैं। तब तो पार्ली गुजर का बूंद बूंद से गड़ा भरता हुआ। गगन सामना करेंगे नावेद देखते हैं क्या किस तरीके से स्वागत करते हैं गगन का। ओ बाते मारना चाहते थे पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को जाने भर दिया विकेट कीपर के हाथों में 2 रन से ही अच्छा टारगेट बनाना होगा पार्ली गुजर को। तो काफी से गगन की गेंद नावेद के लिए उठा के मारना चाहते थे दूसरे बीच में पर मोहब्बत दिखाते हुए दिखते थे पीछे दर्शक देखो किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं इस मैच का तोहफों के रूप में अच्छा मजा लेते हैं यहाँ पर सभी दर्शक। एक बार फिर से गगन नायक के लिए देखते हैं नायक किस तरीके से खेलते हैं बार बार पीट हो रहे हैं यहाँ पर नागेश बहुत अच्छी बॉलिंग गगन बार बार हेलो आशीष भाई एक बार फिर से देखते हैं
बल्ला उठाते हैं, छक्का लगाते हैं कि नहीं? नारे उठा सेंडर बाबू, हर किसी मिस पिन एक रन से को अच्छी बॉलिंग कराते हुए गगन, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग गगन के द्वारा। लालू विकेट पूछने दियो, अंपायर हाथ दे के रखे, ओके ओके नेक्स्ट गो। एक रनवीर उठा के मारना चाहते थे, बुरी तरीके से कावर की समाप्ति, 8-61 भाई समाप्ति के बाद उड़ा लालो कनेक्ट कर ले, बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, रनों में हल्की सी गिरावट, एमडी उड़ ली थोड़ा रन मार, एमडी उड़ ली मैं क्या कह रहा, भाई बोलने का अरुण, ओके अरुण अपने छोटे गांधी नगर लेके आए, देखते हैं ना रोज क्या कर पाते हैं। डिजाइन गेंदबाजी अरुण की, वाइड बॉल, स्कोर बढ़कर 62 रन, 8 ओवर समाप्ति पर। मैसेज कौन सा? हेलो हेलो तजगीर, तजगीर कहाँ भाई? अरे आगे खेल ले और हल्के खेल ले, एक रन आसानी से पूरा किया नावेद, हाँ भाई बहुत बुरा हाल है, प्रयास करते हुए यहाँ पर अच्छी से पूरा कर रहे, सामना करेंगे 2 ओवर पड़ेंगे अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो भाई इस तरह का कुछ नहीं होने का, उठा कर कह दे मुजम्मिल ने, फील्डर नीचे देखते हैं कैच होता है या नहीं, और कैच मिस किया और बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जाती हुई, 2 रन आसानी से पूरे कर लेंगे मुजम्मिल, आसान सा कैच ड्रॉप पढ़ लीजिए सालियर के फील्डर ने, सर दिखो अच्छा उठाकर खेल जाए फील्डर मौजूद, और एक और कौन ड्रॉप आ जा, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे, एक कैच और ड्रॉप आने चाहिए था, एक दो बल्लेबाज को लेकर आना चाहिए था, और थोड़ा सा बाद में बैटिंग कम रहेगी नहीं, जल्दी विकेट गिर गए, नावेद ने उठाकर खेल दिया है बाउंड्री लेन के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार सिक्स नावेद के बल्ले से निकलते हुए, जबरदस्त शॉट, बहुत शानदार सिक्स नावेद भाई ने मारा है, शानदार छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ पाड़ली का, और मैदान में कुत्ते भी घुस गए हैं, भाग लो आरआर हो जाएगी, मिनट स्कोर पूरा कर लो, कुत्ता रास्ता काटते हुए नावेद का, नावेद का रास्ता कुत्ते ने काटा, एक बार फिर से नावेद ठीक समय के साथ खेलना होगा, और धीमी गति के गेंद और कुछ भी अच्छी फील्डिंग और अच्छा बैकअप यहाँ पे, और स्कोर बढ़कर 73 रन पार्ली का स्कोर, अभी अगर इस मैच में अच्छा करना है तो थोड़ा सा और रन मारने होंगे, हाँ सही बात है,
और एक और मिसफील्ड, यहाँ पे और रन हो सकते हैं। नवेद ने बहुत तेजी से रन लिया, तीन रन मिले यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। हाँ कोई ज्यादा खास नहीं खेल रहा, अगर एम्प्टी रन आउट हुआ ना, एम्प्टी रन मार सकता था, एम्प्टी ने एम्प्टी रन आउट होगा। होनू भी बहुत जल्दी नौ ओवर में 76 रन, लास्ट ओवर है, 6 विकेट हो गए पार्ट ली उधर के। भाई जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, राजीक राजीक जल्दी कराओ भाई, टाइम ना लगाओ। क्या नाम है भाई बॉलर का? समित। राजीव सुमित करा था, कितनी करा था सुमित? ओके, लास्ट ओवर लेके आ गए टीम के लिए सुमित। देखते हैं मिशन टीम क्या करता थे। और जमील ने उठा दिया है फील्डर नीचे, देखते क्या होता है। और आसान सा कैच छुटा है मुजम्मिल का, और एक्स्ट्रा रन भागना और आता। अरे एक और रन, तीन रन पूरे किए यहाँ पे पाटली की टीम ने। नवेद कहीं को खो गए थे, पता नहीं क्या देख रहे थे उधर, रन आउट होने का चांस था सालर की टीम। हाँ भाई राजीव मम्मू की परी खड़े देखते हैं इस बॉल पर नवेद चक्का लगा पाते हैं कि नहीं। और नवेद ने बहुत शानदार शॉट लगाया बाउंड्री लेन के बाहर, जबरदस्त शॉट, जबरदस्त हिट, 6 रनों के लिए शानदार शॉट, 101 रुपया कमाया यहाँ पे नवेद ने। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे नवेद, फिर से मारने से पूरा तरह बैठ हुए। दो बॉल से सूची है अंतिम ओवर की, 86 रन, 85 रन सॉरी। फिर से उठाकर खेलना चाह रहे थे, बीट भी है पूरी तरह बीट, लगातार तीन बॉल बीट खाली निकाल दिए यहाँ पे। लास्ट बॉल है भाई, अंतिम बॉल इस इनिंग की, इस ओवर की, इस पारी की अंतिम बॉल। यहाँ पे देखते हैं इस बॉल पे छक्का लगाते हैं या क्या डॉट निकालते हैं नवेद, क्या कर पाते हैं। उठाकर खेलना चाहते थे और इसी साथ आउट। 86 रन का टारगेट, 86 रन का टारगेट यहाँ पे सालियर की टीम को। पारी के साथ हम लाइव बंद करते हैं। 86 रन सालियर को, स्मित को जीतना है तो 86 रन बनाने होंगे, 86 रन बनाने होंगे अगर सालियर को मैच जीतना है तो। पाटली गुज्जर ने बनाए 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में। भाई 2 मिनट के बाद फिर दोबारा से लाइव आएंगे हम। बाय बाय।